गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था। आप देखोगे ये टाइमिंग के बाद मार्केट एक बार नीचे आया है, और उसके बाद दूसरा ये जो टाइमिंग है उसके बाद ऊपर गया है, और तीसरा टाइमिंग के बाद नीचे आया है। मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज था, बट फिर भी आप देख सकते हो कि हमारा जो टाइमिंग है बहुत अच्छे से काम किया है। तो कल के लिए क्या हो सकता है आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत लोग आप स्किप करके देख लेते हो, आप बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलता हूँ आप मिस कर जाते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप किए बिना देखिए, देन यू विल बी इन, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कल के लिए ट्रेडिंग के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, ये अभी भी ये जो मार्केट है अभी थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक हमारा जो मार्केट है 19,000, देखिए 19,200 से 300 बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट में जो भी डिप आएगी वहां पर खरीदारी होने का चांसेस है। तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो फंसने का चांसेस है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेंज ही रहेगा। मार्केट का रेंज अभी के लिए 19,300 to 500 के रेंज में रहेगा। ठीक है, 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है, उसके नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पर हम इसी रेंज में रहेंगे 19,350 to 500। ये रेंज शायद रह सकता है कल के लिए। एंड जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारा पिवोट पॉइंट है 19,400। जब तक हम 19,400 के ऊपर है हम पॉजिटिव है, उसके नीचे हम नेगेटिव है। यहाँ पर 19,400 के आसपास आपका 20 SMA भी आता है, तो जब तक इसको होल्ड करेगा तो मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी आप टाइमिंग्स देख लेते हैं। मार्केट का टाइमिंग कल के लिए दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। कल एक्सपायरी भी है मार्केट का, निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट शायद रेंज बाउंड ही रहने वाला है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद हम नहीं रख रहे हैं कि मार्केट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करेगा। जब तक ये रेंज नहीं टूटता है तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि कल अगर मार्केट 19,400, देखिए हो सकता है कि हम 19,400 से 500 रहे, या 19,400 के नीचे रहेंगे तो 19,300 to 400, ये रेंज में शायद हम रहने वाले हैं। तो 19,400 डिसाइड करेगा मार्केट हम ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, वरना हम पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड स्टेज में ही रहेंगे, कुछ खास नहीं होगा। तो अगर कुछ चेंजेस होना है तो ये दोपहर का लास्ट 1 घंटे में कुछ बड़ा सा मूवमेंट शायद आ सकता है। उसके लिए या तो हमको 19,500 को तोड़ना पड़ेगा, या 19,400 को तोड़ना पड़ेगा नीचे के साइड, या 19,500 को ऊपर के साइड तोड़ना पड़ेगा। ये इसमें से दोनों अगर होता है तब ये 2245 के बाद ये अच्छा सा मूवमेंट आएगा, वरना हम रेंज बाउंड ही है बिटवीन 19, जैसे कि मैंने आपको बताया था 19,400 के ऊपर है तो 400 to 500 है, वरना हम 19,300 to 400 है, हम शायद इसी रेंज में रहेंगे। तो पहला हमारा टाइमिंग है 10:30 to 10:45, और दूसरा जो टाइमिंग है 2:45 to 3 o'clock। ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है मार्केट। अगर US मार्केट वगैरह फ्लैट पॉजिटिव जो भी है, जब तक वहां पर कोई नेगेटिव असर नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता है कुछ खास यहाँ पर भी होने वाला है। एंड फर्स्ट हाफ शायद पॉजिटिव रहने वाला है। सेकेंड हाफ जो हमको देखना पड़ेगा आफ्टर 1:30 1:45 ही हमको देखने को मिलेगी कि क्या होगा। या तो हम ज्यादा साइडवेज रह सकते हैं, या ये 19,400 तोड़ेगा तो 300 तक एक बार जा सकते हैं, वरना सुबह सुबह अगर हम नीचे के साइड खुलते हैं तो 19,300 के आसपास ये एक गैप है, सपोर्ट है, वहां पर आएंगे तो वहां से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देख लेंगे। तो 19,400 आप पिवोट पॉइंट मान के चलिए, उसके ऊपर रहेंगे तो हम पॉजिटिव है, वरना हम नेगेटिव है। तो ये हो गया निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, आज पूरा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव था, एंड आज फिर भी आज मार्केट ने 43,500 को होल्ड किया है, और ये 43,500 के आसपास हमारा 20 SMA बैंक निफ्टी में भी आता है। तो यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट यहाँ पर बनेगी ये है 43,500 है।
जब तक हम इसके ऊपर रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे। ओवरऑल आप देखोगे तो ये अभी के लिए मार्केट का रेंज यही है 43,300 to 500 एंड 43,700 to 800। आज भी पूरा मार्केट इसी 200 पॉइंट के आसपास ही घूमता रहा है। एंड यहाँ पर अगर 800 के ऊपर निकलते हैं, जब तक हम 700 के ऊपर रहते हैं, हो सकता है कि 44,000 भी एक बार टेस्ट करें, बट वहां पर इतना आसान नहीं है। हम अभी के लिए तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया में है, तो यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्लोबल मार्केट की ज्यादा जरूरी है सपोर्ट करना। उसके साथ साथ स्टॉक्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए, तभी यहाँ पर मूवमेंट आएगा, वरना यहाँ से यू टर्न मार सकता है। अभी देखिए दिवाली तक तो मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, मुझे नहीं लगता कुछ खास यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर रहने वाला है। जो भी होगा शायद दिवाली के बाद ही होगा। पहले तो 43,100 to 300 यहाँ पर जो सपोर्ट है इसको तोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर नीचे है, वरना यहाँ पर रेंज बाउंड है। 43,300 to 500 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इसके ऊपर हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर बहुत ज्यादा हम नहीं देख रहे हैं, 100 200 पॉइंट का ही देख रहे हैं। एंड यहाँ पर 43,500 डिसाइड करेगा मार्केट ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। 43,500 आपके लिए पिवोट पॉइंट के हिसाब से आप मान के चलिए, इसके ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। एंड यहाँ पर जो टाइमिंग दिख रहा है वेरी सिमिलर टू निफ्टी दिख रहा है आपको, 10:30 to 10:45 है, उसके बाद 1:30 to 1:45 है। तो यहाँ पर दो हमारे लिए टाइमिंग निकल के आ रहा है। अभी भी थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, जब तक ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल नहीं टूटता है तब तक मार्केट एक साइडवेज दायरे में ही शायद रहेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी फाइनेंस निफ्टी में आते हैं, तो फाइनेंस निफ्टी में भी वही चीज है। यहाँ पर हम 19,400 450 सपोर्ट का काम कर रहा है एंड 550 600 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर का उम्मीद नहीं है, 100 200 300 पॉइंट शायद जा सकता है, बट वहां से यू टर्न मारने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखता है। यहाँ पर हमको रिस्क रिवॉर्ड वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग में ही रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा दिखता है, बाइंग में अभी नहीं दिखता है। बट आपको हायर लेवल पर ही बाय सेलिंग करना है एंड लोअर लेवल पर ही बाइंग का देखना है। ठीक है, अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ऐसा नहीं है कि अभी शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको समझाया था वो सारा लेवल टूटना पड़ेगा, तभी यहाँ पर सेलिंग में कुछ स्ट्रेंथ रहेगा। यहाँ पर भी आप देखो 10:30 to 10:45 एंड 2:15 to 2:00 to 2:15 ये टाइमिंग हमको मिल रहा है इन केस ऑफ फाइनेंस निफ्टी। फाइनली आपका मिड कैप निफ्टी है। मिड कैप निफ्टी आपको मैंने बताया था यहाँ पर ग्रैंडफादर फादर सन बनेगा। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको जब ये बताया था तब मार्केट कहा था इट वाज समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, ये जो हमारा लेवल था इसके आसपास मैंने आपको बताया था समवेयर अराउंड 8,700। तो आप देखो 300 400 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है बैंक निफ्टी सॉरी मिड कैप निफ्टी में। ऑलमोस्ट यहाँ पूरा का पूरा इतना ऊपर जाया गया है। अभी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज चला जाए, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे से नीचे आएगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं बनता है फॉर द बाइंग साइड। यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट ज्यादा हमको दिखती है। 9,000 to 9,025 सपोर्ट का काम करेगा, 9,075 9,100 यह रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये 9,000 के ऊपर है तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे, 9,000 के नीचे यहाँ पर नेगेटिव चीजें स्टार्ट होगी इन केस ऑफ मिड कैप निफ्टी। यहाँ पर भी टाइमिंग हम देख लेते हैं, टाइमिंग जो निकल के आ रहा है 10:15 to 10:30 है एंड 2:15 to 2:30 है, ये हमारा टाइमिंग है। एंड अभी लेट अस ऑल्सो लुक एट गैन स्क्वायर ऑफ 144, इसको भी देख लेते हैं कि इसके हिसाब से क्या बन के आ रहा है। आप देखो आज को जो मैंने आपको लेवल दिया था उसके हिसाब से 9,450 के आसपास मैंने बताया था, उससे ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। आप देखोगे तो वैसा ही हुआ है, बहुत कुछ खास नहीं हुआ है वहां पर। एंड बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो पहला जो हमारा साइकिल था उसके ऊपर नहीं जा पाया है।
तो कल के लिए देख लेते हैं। देखिए आज का पूरा रेंज जो है बहुत ही नैरो है। 1 मिनट, क्या इसके ऊपर कुछ गया है? 65 तक गया है, थोड़ा और ऊपर गया है तो इसको डाल देता हूँ। आप देखो यहाँ पर आप देखोगे तो खाली 60 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है पूरा दिन में, तो बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक हम 19,420 के ऊपर है, हम पॉजिटिव है, 440, 465 हम देख सकते हैं जो आज का यही है। अगर इसको सस्टेन करना है तो 470 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब 475, 480 देख सकते हैं। एंड अगर 485 को सस्टेन करता है तो 496। तो ओवरऑल अभी कल के लिए हमको ऊपर के साइड बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, हार्डली मैक्सिमम 50 पॉइंट्स ऊपर का साइड दिखता है। एंड नीचे आप देखोगे, अगर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 446 के नीचे हम नीचे है, 427, 404 जो आज का लो है वहां पर आ जाता है। उसके नीचे अगर 399 के नीचे आ जाते हैं, 394, 389 आ जाएगा। अगर 84 के नीचे आ जाते हैं, 79, 74 आएगा। तो आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड का सेशन अभी दिख रहा है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा रेंज बाउंड था, उसके हिसाब से तो हमारा ये लेवल निकलता है। अगर इसके नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, तब हमको नया लेवल निकालना पड़ेगा। ओवरऑल हमको बहुत ज्यादा नहीं दिखता ये जो 370 है, 374, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग साइड में ज्यादा प्रेशर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। मार्केट शायद एक रेंज में ही रहेगा। एंड बैंक निफ्टी के लिए आप देखोगे 797, 547, 1 मिनट मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लीजिए, बैंक निफ्टी के लिए 545, 45। तो अभी यहाँ का लेवल देखिए, ये इसके हिसाब से देखिए, अगर हम 43,624 के ऊपर रहते हैं तो फिर से 700 एंड 798 जो आज का है वहां पर आएगा। 818 के ऊपर रहेगा तो 838, 861 आ सकता है। 881 के ऊपर रहेगा तो 901, 925 तक जा सकता है। ओवरऑल बहुत ज्यादा ऊपर का हमको नहीं दिखता है, हो सकता है कि इसके ऊपर चला जाएगा तो और 100-200 पॉइंट भी जा सकता है, वरना नहीं जाएगा। तो आपको ये इम्पोर्टेंट जो साइकिल्स है वो उसको समझना पड़ेगा। ये साइकिल्स इम्पोर्टेंट है जो येलो में मार्क्ड है। तो अगर नीचे के साइड को देखेंगे, जब तक ये 719 के नीचे रहता है तो 640 जा सकता है, एंड 545 जो आज का लो है वहां पर जा सकता है। अगर 525 के नीचे आता है तो 505 और 482 तक जा सकता है, एंड 462 के नीचे 442 और 349, 419 ये जा सकता है। तो अभी यहाँ पर भी हमको बहुत ज्यादा रेंज बाउंड ही दिख रहा है, और अगर ये कोई रेंज ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड या ऊपर का साइड, तब हम कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट हम देख पाएंगे, वरना मार्केट हमको एक साइडवेज के दायरे में ही फंसाने का पूरा कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। अगर इससे आपको मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।